अब हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन में जो है पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए हमको कोई ना कोई पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्राइप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आई थिंक मैंने पिज्जा प्रोजेक्ट के अंदर भी इसका यूज किया था और वहां पे थोड़ा सा एपीआई का भी इशू आ रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ, और इनकेस अगर कोई पिज्जा मर्न स्टैक प्रोजेक्ट देख रहा है और वहां पे भी उसको पेमेंट का इशू आ रहा है ना, तो फिर यहाँ से वो कंपेयर करके कर सकता है। ज्यादा कुछ नहीं, एक दो लाइन के चेंजेस है, तो सेम चीज आप जो है यहाँ पर से कॉपी करके जो है पिज्जा वाले प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। यानी जो हमारा पिज्जा का मर्न स्टैक प्रोजेक्ट है ना, उसमें भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करें, स्ट्राइप पे जाइए। सो डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि सजेशन शो कर रहा है स्ट्राइप लॉग इन। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर रजिस्टर करना है। मेरे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है, तो ये मुझे डायरेक्ट डैशबोर्ड के लिए बता देगा। देख सकते हैं डायरेक्ट इसने मुझे डैशबोर्ड पेज पे रिडायरेक्ट कर लिया। तो आप क्या करें, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, सो मेक श्योर इस पर रजिस्टर करिए। कोई इतना हार्ड नहीं है, सिंपल आपको जो है रजिस्ट्रेशन स्टेप को जो है फॉलो करना है, जैसे साइनअप का फॉर्म होता है सेम उसी तरीके से आपको जो है फॉलो करना है, या फिर आप डायरेक्टली जीमेल से भी जो है इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर के बाद में कुछ बेसिक सेटअप होता है, जैसे कि देखिए अभी स्टिल मेरे पास जो है ना पेमेंट्स का सेटअप कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं भी इसको यूज नहीं करता हूँ, मैं कोई दूसरा यूज करता हूँ पेमेंट गेट पे, और वो पेड है, उसमें कुछ भी टेस्ट मोड नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं उसको नहीं बता सकता। स्ट्राइप में देखिए हमको टेस्ट मोड मिलता है। टेस्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ जो है आप डेवलपमेंट पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको एक्चुअल में इसमें पेमेंट्स को रिसीव करना है तो फिर आपको इसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। एक्टिवेट कराने के लिए आपको इसको जितनी भी डिटेल्स ये पूछता है उतना फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ से जो है ना टेस्ट मोड आपका रिमूव हो जाएगा। और मैंने इससे पहले भी एक पिज्ज़ा एप्लीकेशन इसमें बनाई थी, आई थिंक मुझे याद है। तो उसमें भी क्या हो रहा था, वो टाइम पे हमने पेमेंट डॉट चार्जेस एपीआई का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा अपडेट हो चुका है, तो चार्जेस एपीआई सपोर्ट नहीं करती, उसके बदले हमको पेमेंट इंटेंट एपीआई का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैं पेमेंट्स में आपको बता देता हूँ, ये प्रीवियस ट्रांजेक्शन है, या फिर स्टिल देखिए, अच्छा नवंबर 5 पे भी इसमें ट्रांजेक्शन है, देख सकते हैं आप। तो आई थिंक ये पिज्जा वाला प्रोजेक्ट है, या फिर किसी ने मेरी एपीआई की को जो है यहाँ पर यूज किया है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आई थिंक उस प्रोजेक्ट में एक्सपोज कर दिया था। सो इस वाले प्रोजेक्ट में मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, उसको हाइड कर दूंगा, वरना इसी तरीके से मिसयूज भी हो सकता है। जैसा कि फिलहाल तो ये टेस्ट पर्पज के लिए, तो मुझे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए इस पर भी ट्रांजेक्शन हो रहा है और काफी ज्यादा, देख सकते हैं आप 832 यहाँ पर सक्सेस ट्रांजेक्शन है और 9 फेल ट्रांजेक्शन है, तो काफी ज्यादा यूज किया गया है इसका भी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, किसने ये यूज किया है सब कुछ यहाँ पर शो करता है, कौन से अकाउंट से एटसेट्रा, काफी कुछ इसमें मिलता है। इनकेस हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल टेस्ट के लिए यूज कर रहे, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। चलते होम पेज पे, यहाँ पे देखिए नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, फॉर डेवलपर्स, यहाँ पे देखिए आपको टेस्ट मोड मिलेगा, और उसमें देखिए पब्लिश की और फिर सीक्रेट की, तो ये दो चीजें आपको मिलने वाली है, तो इनको जो है आपको स्पेशली जो है काफी छुपा कर रखना है। तो हम क्या करेंगे, डॉट ईएनवी की फाइल के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, कोई भी अगर इसको कॉपी करेगा तो उसका मिस यूज हो सकता है। जैसा कि आपने देखा ही पेमेंट्स के अंदर, देखिए यहाँ पर काफी सारे ट्रांजेक्शन, और मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप नवंबर 5 का इसमें ट्रांजेक्शन है, मतलब ये तो लेटेस्ट है ना, अभी तो नवंबर ही चालू है, स्टिल जो है यहाँ पर यूज हो रहा है। आई डोंट थिंक मैंने इसको होस्ट किया था उस प्रोजेक्ट को, पता नहीं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो मेक श्योर आप क्या करें, यहाँ पर जो है ना अपना पब्लिश की और सीक्रेट की को कॉन्फिडेंशियल रखें, यानी डॉट ईएनवी की फाइल में आपको रखना है इसको कॉपी करके, और फिर उसका आप यूज करेंगे। मैं भी इसमें बताऊंगा नहीं आपको, मैं सिंपली जो है वेरिएबल्स जो है क्रिएट करके बता दूंगा और फिर उसको हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे यूज करना है, तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, अभी हमारे पास कोई भी फ्रंट एंड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए पोस्टमैन में ज्यादा ऑप्शन हमको नहीं मिलते हैं इसके लिए। देखिए अगर आप स्ट्राइप पेमेंट गेटवे या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं ना, तो इसके सेपरेट पैकेजेस आपको देखने मिलेंगे, जिसका आप यूज कर सकते हैं कोई भी फ्रंट एंड पे। मान लीजिए आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव, या फिर एंगुलर भी अगर आप यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको रेडीमेड पैकेजेस मिल जाते हैं, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली जो है स्ट्राइप का फॉर्म मिल जाता है, मैनुअल आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें सिर्फ हमको बैकएंड से थोड़ा सा रिस्पॉन्स और जो भी पब्लिश की या फिर सीक्रेट की है ना, वो पास कराना पड़ता है। उसके बाद में फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर आके अपना सारा स्टेटस जो है मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इसकी और डिटेल्स में एपीआईस देखना है, तो आप व्यू डॉक्स पर क्लिक करिए, काफी कुछ आपको इसमें देखने मिल जाएगा, काफी बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है। सो मेक श्योर आप सेपरेटली भी गूगल करेंगे तो काफी अच्छा उससे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी है डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाहिए ना, तो फिर आप डायरेक्ट गूगल करिए और उतना कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर।
एपीआई एसडीके में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए एपीआई स्ट्राइप जेएस एंड्रॉइड रिएक्ट नेटिव। जैसे कि रिएक्ट नेटिव पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें भी काफ़ी सारे पैकेजेस हैं और काफ़ी कुछ है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल तो हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं तो बैकएंड में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए चलते वापस वीएस कोड में, और यहाँ से हम क्या करने वाले, पब्लिश की और सीक्रेट की के लिए जो है वेरिएबल बना देंगे। तो चलते वीएस कोड में और डॉट ईएनवी की फाइल में आपको जाना है। मैं सर्वर क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। फिर चलते डॉट ईएनवी फाइल में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्राइप का जो है ना एपीआई सीक्रेट और पब्लिश की दोनों को क्रिएट करता हूँ। तो आप लिखेंगे स्ट्राइप अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर पब्लिश, या फिर डायरेक्ट की कर लेता हूँ मैं, ठीक है, शॉर्टकट में ज़्यादा बेटर रहेगा की। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन स्ट्राइप का जो सीक्रेट की है उसको भी ऐड कर देंगे। सो स्ट्राइप एपीआई सीक्रेट कर देते हैं इसको कुछ इस तरीके से। तो ये दो वेरिएबल्स हमने नवे बनाए इसके अंदर। इसमें आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद पब्लिश की को कॉपी करिए, कॉपी हो गया, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर लेना है। तो मैं इसको साइड में मिनिमाइज भी कर देता हूँ अब, ठीक है। एपीआई की के बाद में सीक्रेट भी आपको ऐड करना है, सो मैं इसको हाइड कर दूंगा। अब डायरेक्ट इस पर क्लिक करिए तो ये रिवील भी हो जाएगा, और डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉपी भी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको वापस से इसमें आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप क्या करें, इस फाइल को सेव कर लें। सेव करने के बाद मैं इसको कट कर लेता हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्ट्राइप का पैकेज डाउनलोड करेंगे। अभी हम नोड जेएस पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करें, अभी शुरू में सर्वर में स्विच हो जाता हूँ और स्ट्राइप का पैकेज जो है इंस्टॉल कर लेंगे। आप इसको npm js पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं npm js पे चलता हूँ, npmjs.com, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे स्ट्राइप, इतना लिख के आप सर्च करिए, देखिए एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करिए, काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, रिएक्ट नोड जेएस एंगुलर सभी के साथ में आपको देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए होम पेज भी है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो है इसके ऑफिशियल रिपोजिटरी पे ये रिडायरेक्ट करेगा। और कैसे इसको यूज़ करना है, आपको कुछ इस तरीके से इसको रिक्वायर करना पड़ता है, और फिर उसके अंदर आप ईमेल बना सकते हैं कस्टमर का। इतना सब तो हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पूरा सेटअप कर लेंगे, यहाँ से क्लाइंट आईडी को जनरेट करेंगे और फिर बाकी सब कुछ जो है फ्रंट एंड पे हैंडल करेंगे। तो इसको कैसे यूज करना है, सिंपल इंस्टॉलेशन में कमांड कॉपी कर लेता हूँ, npm install stripe, कॉपी कर लेंगे इसको और टर्मिनल में इसको पेस्ट कर देता हूँ, npm install stripe, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। ये पैकेज आपके नोड जेएस के एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा पैकेज है, ये डाउनलोड हो गया, इसको चेक कर लेंगे एक बार। पैकेज जेसन की फाइल में मैं चेक कर लेता हूँ, स्ट्राइप कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 14.3 का जो है अभी का वर्जन इसमें इंस्टॉल है। तो हो सकता है बाद में आपका वर्जन जो है आगे पीछे देखने मिले, सो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास मेन सेटअप है सर्वर डॉट जेएस की फाइल में, तो आप क्या करें, सर्वर जेएस फाइल को ओपन करें और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्राइप को इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट स्ट्राइप फ्रॉम, फिर स्ट्राइप में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्राइप को इम्पोर्ट कर देंगे। इम्पोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए डीबी है ना, डीबी के बाद में मैं स्ट्राइप की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। सो कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्राइप की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। मेन कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि आपको उसका एपीआई की यहाँ पर बताना पड़ता है, ताकि हमारी एप्लीकेशन को पता चले कि यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्च स्ट्राइप इक्वल टू, और ये सेम स्पेलिंग हो रही है ना, सो उसको अपर केस में भी हम कर सकते हैं और लोअर केस में मैं कुछ इस तरीके से जो एक और सेम इंस्टेंस इसका बना रहा हूँ। और यहाँ पे हम न्यू का इस्तेमाल कर लेंगे, न्यू स्ट्राइप। ये क्या है, ये एक फंक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बता देंगे वेरिएबल, तो प्रोसेस डॉट ई एन वी, फिर उसके बाद में वेरिएबल का नाम, जैसे कि हमारे केस में हमने दिया था एपीआई सीक्रेट। सो इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसीलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया इसको। तो यहाँ पे स्ट्राइप का जो है कॉन्फिग्रेशन कम्प्लीट हो गया, सेव कर लेते हैं इसको। इनकेस अगर कोई भी एरर आता है तो इसको वापस आके हम फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, देखिए पेमेंट हम कहाँ पर रिसीव करेंगे, ऑर्डर के अंदर। सो ऑर्डर के अंदर पहले शुरू एक न्यू राउट बना लेता हूँ मैं, और प्रोडक्ट मॉडल को कट कर लेता हूँ, ईएनवी को भी कट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट को। सो एक्सेप्ट पेमेंट, ये है पेमेंट। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ राउटर डॉट पोस्ट, और इसमें इसका नाम मैं रखता हूँ पेमेंट, और इस डॉट हमको इसमें भी चाहिए, यानी लॉगिन यूजर चाहिए। उसके बाद में फिर एक कंट्रोलर फंक्शन बना लेंगे। सो ऑर्डर के अंदर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कमेंट बना लेता हूँ, एक्सेप्ट पेमेंट। सो कॉन्स्ट, और एक्सपोर्ट भी करना है, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पेमेंट कंट्रोलर इक्वल टू, एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे, सेव कर लेते हैं इसको।
और इसको जो है ऑर्डर राउट के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पेमेंट कंट्रोलर, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, पहले शुरू एसिंक कर लेंगे, कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपल टॉप से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इसमें कास्ट एरर की जरूरत नहीं है, कास्ट एरर को मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्ट्राइप का हम यूज करेंगे, तो टॉप पे आप स्ट्राइप को इम्पोर्ट करें। कौन सा स्ट्राइप आप इम्पोर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया ना स्ट्राइप का, तो इसका हमको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे इसको जो है ना एक्सपोर्ट कर देंगे। यहीं से मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स स्ट्राइप ये लोअर केस में, और इम्पोर्ट करते टाइम हमने इसको अपर केस में किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका यूज कर लेंगे। कैसे यूज करना है आपको, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, अवेट फिर स्ट्राइप, देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, सर्वर डॉट जे एस में से आपको इसको इम्पोर्ट करना है, क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली टॉप पे कुछ इस तरीके से ये इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट चेन लगाएंगे। जैसे आप डॉट लिखेंगे ना, काफी सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे पेमेंट इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। सो पेमेंट इंटेंट इसमें हम क्या करेंगे क्रिएट करेंगे, सो क्रिएट फंक्शन आपको कॉल करना है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे पेमेंट्स को। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर अमाउंट का यूज करेंगे, अमाउंट के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर करेंसी बताना है। सो हम क्या करने वाले यहाँ पर यूएसडी का इस्तेमाल करेंगे, सो डॉलर, और फिर अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, मैं एक बार क्या करता हूँ गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो हम क्या करेंगे गूगल पे सर्च कर लेंगे, गूगल टाइप कर लेते हैं पहले शुरू, और यहाँ पर स्ट्राइप पेमेंट इंटेंट्स एपीआई डॉलर, कुछ इस तरीके से एक बार देख लेते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन। स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो फिर वो काम नहीं करेगा, उससे बेटर एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे इसका, कहाँ पर एग्जांपल है क्या इसमें। सो यहाँ पर अमाउंट है डायरेक्ट, फिर उसके बाद में यूएसडी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई एग्जाम्पल नहीं है क्या इसमें। नोड जी एस जरा, अच्छा ऊपर भी होगा ना फिर नोड जी एस, ये तो नोड में ही बता रहा है। यहाँ पर देखिए अमाउंट है, अमाउंट के बाद में डायरेक्ट यूएसडी, सो अमाउंट तो डायरेक्ट हमको पास नहीं कराना है ना इसमें, तो हम क्या कर लेंगे यूजर से जो है ना अमाउंट को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गेट अमाउंट, अमाउंट या फिर टोटल अमाउंट भी कर सकते हैं आप इसको, हम क्या करेंगे यूजर से गेट कर लेंगे। सो टोटल अमाउंट इक्वल टू और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से इसको गेट कर लेंगे, और मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ उसको डायरेक्टली, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पास करा देंगे। सो और नंबर में भी कन्वर्ट कर देता हूँ मैं इसको, तो आप क्या करें इसको नंबर में कन्वर्ट कर दें, इनकेस अगर स्ट्रिंग में आता है ना बाय चांस, तब क्या करेंगे नंबर ऑटोमेटिकली इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। और साथ ही में यूएसडी के लिए लोअर केस में है यूएसडी, और इसी तरीके से हमने लिखा है, ठीक है बिल्कुल। कार्ड वगैरह का बाद में देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट टेस्ट में तो हमको एक ही कार्ड मिलता है, तो उसी का हमको यूज़ करना पड़ता है। सो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको पास करा दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे डायरेक्ट सक्सेस रिस्पॉन्स को हैंडल कर लेंगे, तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201 या फिर 200 ही कर देते हैं इसको, और यहाँ पे मैं सेंड फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे ट्रू। और अच्छा हाँ देखिए इसमें एक और इशू है कि जैसे हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते, इसमें हमको मिलती है क्लाइंट आईडी, और उस क्लाइंट आईडी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं पेमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप क्या करें पहले शुरू डिस्ट्रक्चर करें कॉन्स्ट इक्वल टू, और हम क्या करने वाले डिस्ट्रक्चर करेंगे क्लाइंट सीक्रेट को, तो क्लाइंट अंडरस्कोर सीक्रेट। अब ये बाय डिफॉल्ट आपको जो है एज अ रिस्पॉन्स रिसीव होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्रेट रहेंगे ना इसके बेस पे आपके पास ट्रांजेक्शन रहेंगे। कौन से ट्रांजेक्शन मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे हम डैशबोर्ड में जाएंगे ये रहे पेमेंट्स, तो जितने भी पेमेंट्स है ना तो ये ट्रांजेक्शन है अपने, सो ये क्लाइंट सीक्रेट की मदद से हम इन ट्रांजेक्शंस को गेट कर सकते हैं, या फिर इसमें जो है पेमेंट हमारा डन होगा। कैसे होगा एक डेमो भी देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, पोस्टमैन में तो ज्यादा ऑप्शन आपको देखने नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जो है ना अमाउंट की मदद से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो थोड़ी देर में देख लेंगे। और यहाँ पर मैं एक वैलिडेशन भी ऐड कर देता हूँ, वैलिडेशन इफ नॉट टोटल अमाउंट, अच्छा सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, टोटल अमाउंट, अगर टोटल अमाउंट नहीं मिलती है ना तो यहीं से रिटर्न कर दो, वरना सामा हमारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टेटस 404 कर लेते हैं इसको, 404 फिर सेंड, सेंड फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे फॉल्स, फिर मैसेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो और स्पेलिंग मिस्टेक ये है मैसेज, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट इज रिक्वायर्ड, ये मैसेज हम ऐड कर देंगे।
और सक्सेस ट्रू कर देंगे, और जो भी क्लाइंट सीक्रेट है ना उसको मैं एज अ रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड कर देता हूँ, तो एक हमको आईडी जनरेट होके यहाँ पर मिलेंगी। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर देखिए पेमेंट का एपीआई हमारा बन चुका है। कुछ इस तरीके से आप जो है पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हालांकि बैकएंड पे इतना भी कुछ काम नहीं है। इनकेस अगर आपको और भी ज्यादा इसकी एपीआई को यूज करना है तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। हमारे केस में तो देखिए यहाँ पर सक्सेस तक काफी है, उसके बाद में देखेंगे हम फ्रंट एंड पे थोड़ा सा और काम करेंगे, और कुछ जरूरत पड़ती है तो फिर उस पर भी हम आगे चल के वर्क करेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सर्वर को फिर से रन कर देता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं अपने पास। सीडी सर्वर npm रन सर्वर कमांड, तो सर्वर तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पोस्टमैन टूल में इसको चेक कर लेंगे। एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और प्रीवियस वाली रिक्वेस्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। मेथड अपना है पोस्ट, आईडी को मैं कट कर लेता हूँ और माई ऑर्डर को भी कट कर लेंगे। हमारे केस में है पेमेंट्स, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ऑर्डर राउट्स, इसमें हमारे पास देखिए डायरेक्ट पेमेंट्स है, सो इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैं पेमेंट्स को ऐड कर देता हूँ। पेमेंट्स बॉडी में जाना है आपको, रॉ डेटा, फिर इसमें से जेसन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने पास है टोटल अमाउंट और ये डॉलर में है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग पास कराता हूँ या फिर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे $10 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, चेक कर लेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं, और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेस ट्रू और क्लाइंट सीक्रेट अपने पास क्रिएट हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं कि पेमेंट सच में जो है एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। तो चलते वापस डैशबोर्ड में, और यहाँ पर देखिए अभी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है ना न्यू, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया ना, तो यहाँ पर देखिए करंट डेट में देखिए हमारे पास अमाउंट जो है रिसीव हो चुकी है $0.10। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 0.01 आ रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमने क्या पास किया था इसके अंदर। ओके, डायरेक्ट 10 पास किया ना, तो इसने 0 पॉइंट कर लिया, तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हमको देखना पड़ेगा, तो वो बाद में भी फिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट ये जो है सेंट में ले रहा है ना, सो सेंड का कुछ कैलकुलेशन अलग होगा। इनकेस अगर आपको रुपीज़ में देखना है ना, तो रुपीज़ में तो बहुत सिंपल है। रुपीज़ के लिए देखिए मैं रुपीज़ के लिए भी बता देता हूँ, क्योंकि रुपीज़ ज़्यादा आई थिंक ईजी पड़ेगा। मैं INR कर देता हूँ उसको, इंडियन रुपीज़, सेव कर लेते हैं उसको। INR कर देंगे इसको और सेव कर लेंगे। चलते हैं वापस, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको कर देता हूँ 100। एक बार चेक कर लेंगे कैसा काम करता है, सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए अगेन सक्सेस ट्रू और क्लाइंट सीक्रेट। चलते वापस डैशबोर्ड में, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको एक बार, देखते हैं रुपीस में ये शो करता है क्या बराबर। तो देखिए यहाँ पर रुपीस में ये 1 बता रहा है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन का इशू है, थोड़ा सा हमको इसको फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन वो हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है गूगल से भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आई डोंट थिंक है इसमें कोई भी ऑप्शन अवेलेबल। डायरेक्ट इसमें एग्जाम्पल में अमाउंट और कुछ इस तरीके से ऐड किया हुआ है, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है। एक बार क्या कर लेता हूँ मैं इसको इंटू 100 करके देख ले क्या, कुछ इसी तरीके से होता है ना फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेते हैं। इंटू 100 कर देता हूँ और इसको वापस से डॉलर कर लेता हूँ, USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर, सेव। टेस्ट कर लेंगे सही से काम करता है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ 10 और सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू। चलते वापस डैशबोर्ड में, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो देखिए इंटू 100 करने के बाद बराबर से यहाँ पर वैल्यू आ रही है, देख सकते हैं $10। तो इस तरीके से आप जो इसका यूज कर सकते हैं। आई होप पेमेंट गेटवे का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा बैकएंड कंप्लीट हो चुका है, और 2-3 फीचर्स बचते हैं, तो उसको हम बाद में भी अपडेट करने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा बैकएंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको कुछ भी इशू आता है बैकएंड में, तो आप सोर्स कोड में से अपने कोड को जरूर कंपेयर करें, पर हाँ एडमिन पर तो काम करना बाकी है ना, तो पहले शुरू वो कर लेंगे, ठीक है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल पे काम कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। पहले शुरू में क्या करता हूँ, एक मिडलवेयर क्रिएट कर लेता हूँ और ऑर्डर्स को इसमें मैनेज कर लेंगे, यूजर का हम देखेंगे बाद में। सेम चीज है, अगर आपको जो है ऑर्डर्स या फिर प्रोडक्ट्स मैनेज करना आता है, तो फिर आप यूजर भी इजिली मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडमिन पर काम कर लेंगे।